आज की इस वीडियो में आप सभी को बुलेट बाइक में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के बारे में फुल प्रोसेस बताने वाला हूं और सभी गाड़ियों की वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगी, वहां से देख करके आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। वीडियो ध्यानपूर्वक पूरा देखिएगा क्योंकि आप अगर एक बार गलती कर देते हैं तो रिकरेक्शन नहीं कर पाएंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले क्रोम ब्राउज़र में आपको टाइप करना होगा HSRP UP और दिल्ली से हैं तो आपको यही टाइप करना होगा। अदर स्टेट से होंगे तो अपने स्टेट का नाम लिखिए, उसके बाद फिर आपको यहां से ओके करना होगा। फर्स्ट साइट आती है बुक माई HSRP, इस पर जैसे ही क्लिक करते हैं यहां से दो ऑप्शन आपके पास आते हैं, HSRP नंबर प्लेट और स्टिकर के लिए और ओनली स्टिकर के लिए। तो अभी मैं जो है नंबर प्लेट और स्टिकर के लिए अप्लाई करूँगा। उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन आते हैं प्राइवेट व्हीकल और कॉमर्शियल व्हीकल, तो जो टू व्हीलर और फोर व्हीलर कुछ होती हैं वो सभी क्या होती हैं प्राइवेट व्हीकल के अंतर्गत आती हैं। यहाँ पे क्लिक करना है प्राइवेट पे, उसके बाद फिर यहाँ से आपको ऑप्शन आता है फ्यूल टाइप सेलेक्ट करने के लिए, तो जो भी फ्यूल जो आपकी गाड़ी में लगता हो उस पर क्लिक कीजिए। तो अभी पेट्रोल में यहाँ से क्लिक करता हूँ। उसके बाद व्हीकल टाइप में आपको टू व्हीलर फोर व्हीलर जो भी गाड़ियाँ हो आप सेलेक्ट करिए, तो यहाँ से टू व्हीलर मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद फिर यहाँ से व्हीकल मेक में आ जाएँ तो मोटरसाइकिल पर क्लिक करना होगा। अब उसके बाद यहाँ से जो है आपको कंपनी चूज़ करनी होगी, कौन सी कंपनी की आपकी गाड़ी है, तो यहाँ से ऑप्शन जो है अभी अवेलेबल हैं इतने, तो आपको यहाँ से जो आपकी गाड़ी हो वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर लीजिए। अभी मैं यहाँ पे रॉयल इनफील्ड जो है सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद यहाँ से आपको जो है दिल्ली और उत्तर प्रदेश में से, यहाँ से मैं उत्तर प्रदेश सेलेक्ट करता हूँ। अब उसके बाद यहाँ से ऑप्शन आ जाता है डीलर का, तो यहाँ से डीलर जो होंगे सभी यहाँ से उसके ऑप्शन आ जाते हैं। तो यहाँ पे ऊपर अभी जो आप अपनी सिटी का नाम लिख लीजिए, उसके बाद जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपके सिटी में जितने डीलर होंगे यहाँ से उनकी लिस्ट आ जाती है। तो रॉयल इनफील्ड के लिए इलाहाबाद में अभी सिर्फ दो डीलर मौजूद हैं जो कि JP Motors है और वृंदावन है। तभी मैं यहाँ पे JP Motors से सेलेक्ट करता हूँ। अगर आपके डीलर आपकी सिटी में नहीं आ रहे हैं तो आप बगल की कोई भी सिटी सेलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ से व्हीकल इन्फॉर्मेशन में रजिस्ट्रेशन नंबर, रजिस्ट्रेशन डेट, चेचिस नंबर, इंजन नंबर, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर में आप कोई भी ईमेल आईडी मोबाइल नंबर डाल दीजिए, उस पर OTP जाएगा। व्हीकल टाइप में यहाँ पे से आपको जो है मोटरसाइकिल सेलेक्ट करके नेक्स्ट कर देना है। अब यहाँ से उसके बाद डिटेल्स में ऑनर नेम, एड्रेस डालना है, उसके बाद स्टेट अपना सेलेक्ट कर लेना है। अब उसके बाद GST नंबर आपके पास है तो डाल दीजिए, टैक्स नहीं लगेगा, वरना नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं। पिन कोड डालिए, कैप्चा कोड डाल के आपको यहाँ से सबमिट कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट पेज आता है। अपॉइंटमेंट के लिए आपको डेट सेलेक्ट करनी होगी जिस दिन आपको डीलर के पास जाना होगा गाड़ी लेके नंबर प्लेट लगवाने के लिए। तो यहाँ से जो ग्रीन स्लॉट दिख रहा होगा आपको उस पर क्लिक करना है। जैसे मैं यहाँ से 17 तारीख जो सिलेक्ट करता हूँ। अब उसके बाद यहाँ से टाइमिंग के लिए पूछा जाता है, तो आप यहाँ से जो अवेलेबल टाइम होगा जो टाइम यहाँ से देख के आप अवेलेबल कर दीजिए। अभी मैं यहाँ से 2 PM से 4 PM के लिए अवेलेबल करता हूँ। उसके बाद यहाँ से आप नीचे देखेंगे फ्रेंड्स कि सिलेक्टेड टाइम और डेट यहाँ से नीचे आ जाएगा, 17 तारीख 11वां महीना 2020। उसके बाद यहाँ से कन्फर्म प्रोसीड पर आपको क्लिक करना होगा। फिर से नीचे जाएंगे तो गाड़ी की पूरी डिटेल यहाँ से आ जाएगी, ऑर्डर नंबर यहाँ से आपको दिखेगा, उसके बाद जो गाड़ी की डिटेल्स अभी दिखेंगी। अब यहाँ से आपको कॉन्फर्म एंड प्रोसीड पे फिर से क्लिक करना होगा। अब यहाँ से आप चार्जेस देख सकते हैं, इसका जो टोटल चार्ज है आप यहाँ से देख सकते हैं कि ₹348, और उसके बाद आपको GST भी इस पर इंक्लूड है ₹48 की। अब उसके बाद यहाँ से आपको पे ऑनलाइन पर क्लिक करना होगा। जैसे ही इस पर आप क्लिक करते हैं पेमेंट के लिए जाता है। अब यहां से आप पेमेंट मेथड चूज कर लीजिए, जैसे मैं UPI सेलेक्ट कर लेता हूं। उसके बाद यहां से फ़ोन पे पर सेलेक्ट कर देता हूं। अब यहां पे आपको जो है मोबाइल नंबर फ़ोन पे का डालना होगा, उसके बाद मेक पेमेंट पे क्लिक करना होगा। अब यहां से देख सकते हैं ये रिडायरेक्ट कर देगा फ़ोन पे पे, आपको फ़ोन पे पे जाके वहाँ से जो है पेमेंट एक्सेप्ट करनी होगी। पेमेंट होने के बाद नीचे स्क्रॉल करते हैं, यहाँ से रसीद डाउनलोड करने के लिए डाउनलोड एंड प्रिंट पर जैसे ही क्लिक करते हैं ये डाउनलोड हो जाएगी। इस रसीद को आपको जो है प्रिंट आउट इसका निकलवा लेना होगा। उसके बाद अपॉइंटमेंट के दिन आपको गाड़ी की RC, गाड़ी और इसका एक प्रिंट आउट लेके जो है डीलर के पास जाना होगा अपॉइंटमेंट के दिन टाइम पे। वहाँ से जो है कोई एक्स्ट्रा चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा, आपकी गाड़ी में नंबर प्लेट लगा दिया जाएगा। अगर आप गाड़ी लेके नहीं जाते हैं सिर्फ नंबर प्लेट लेके आएंगे तो अलग से कहीं लगवाएंगे तो आपको एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा। इसलिए इस वीडियो से रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन हो, सुझाव हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे फॉलो करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं और भी टेक वीडियो चैनल पे जाके देख सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।